हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू गेट्स मेशर। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन ऑन राउंड रॉबिन सीपी शेड्यूलिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मेरे पास गिवन है चार प्रोसेसेस। अराइवल टाइम गिवन है, बर्स्ट टाइम गिवन है। अब क्राइटेरिया क्या होता है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का? टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये देखते हैं, जब प्रोसेस रेडी क्यू में होते हैं, मतलब सबसे पहले हम कहाँ रखते हैं प्रोसेसेस को? रेडी क्यू में लेके आते हैं, मतलब रैम के अंदर लेके आते हैं। रेडी क्यू कहाँ पे होती है? रैम के अंदर। वहां से हम एक प्रोसेस को सिलेक्ट करके रनिंग क्यू में लेके जाते हैं। रनिंग क्यू मतलब सीपीयू, मतलब एक प्रोसेस को सिलेक्ट करते हैं और सीपीयू को दे देते हैं कि सीपीयू इसको एग्जीक्यूट कर। नॉन प्रिएम्प्टिव के केस में क्या होता है कि जैसे ही एक प्रोसेस को हमने रनिंग स्टेट में दे दिया तो वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा। लेकिन राउंड रॉबिन के अंदर यहां पे सीपीयू टाइम क्वांटम को यूज करता है। टाइम क्वांटम का मतलब क्या है? लेट्स से कि टाइम क्वांटम है 2, तो सीपीयू क्या करेगा, इस P1 प्रोसेस को 2 टाइम्स तक चलाएगा। मतलब जो भी उसका बर्स्ट टाइम है, सीपीयू डजंट केयर अबाउट इट, वो सिर्फ 2 टाइम यूनिट तक उसको चलाएगा और फिर क्या होगा, 2 टाइम यूनिट के बाद वो प्रोसेस वापस रेडी क्यू में चला जाएगा। फिर एक दूसरे प्रोसेस को रनिंग स्टेट में लाएंगे, उस प्रोसेस को भी 2 टाइम क्वांटम तक चलाएंगे और फिर वापस उसको रेडी क्यू में ले जाएंगे, अगर उसके अलावा उसका और भी बर्स्ट टाइम बचा हुआ है। मतलब अगर किसी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम ही 2 है तो वो तो कंप्लीट ही हो जाएगा, वो तो ऑब्वियसली कंप्लीट हो जाएगा उस 2 टाइम क्वांटम में, या 1 है तब भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का बर्स्ट टाइम 2 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो कुछ पोर्शन तो उसका कंप्लीट हो गया, लेकिन उसको दोबारा से रेडी क्यू में भेज दिया। तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि रेडी क्यू का सीक्वेंस, कि कैसे प्रोसेसेस रेडी क्यू में आ रहे हैं और कैसे वो प्रीएम्प्ट होके दोबारा रेडी क्यू में जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, वो मैं आपको आगे यहां पे बताऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे क्या ध्यान रखना है, सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस इन रेडी क्यू। तो रेडी क्यू में सीक्वेंस प्रॉपरली लाने के लिए हमने यहां पर अलग से एक रेडी क्यू रख दी। अभी तक हम सारे क्वेश्चंस में एक रनिंग क्यू रखते थे, जिसको हम गैंट चार्ट भी बोलते हैं, उस रनिंग क्यू को ही हम मेंटेन करते थे। लेकिन राउंड रॉबिन में आप 2 क्यू को मेंटेन कर लो, बिकॉज रेडी क्यू को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों रेडी क्यू अलग से बनाने की जरूरत है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और मोड क्या है? प्रीएम्प्टिव। ऑब्वियसली राउंड रॉबिन नॉन प्रीएम्प्टिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर टाइम क्वांटम के बाद जो भी टाइम क्वांटम दिया हुआ है, उस टाइम क्वांटम के कंप्लीट होते ही सीपीयू स्विच हो जाएगा, फिर दूसरा टाइम क्वांटम के बाद सीपीयू फिर स्विच हो जाएगा। तो सीपीयू जो है वो स्विच करता रहता है बिटवीन द प्रोसेसेस। तो यहां पे सबसे पहले अगर हम बात करें एट टाइम 0, कौन सा प्रोसेस रेडी है? रेडी मतलब कि ऑब्वियसली अगर वो रेडी है तो रैम के अंदर आ गया। अब रैम से हम उस प्रोसेस को उठा के सीपीयू को देंगे। तो 0 टाइम पे पहले चेक करो कौन सा प्रोसेस रेडी है। 0 पे सिर्फ एक ही प्रोसेस रेडी है, दैट इज P1। तो उसको सबसे पहले रेडी क्यू में डालो। अगर कोई और भी प्रोसेसेस रेडी है तो सबसे पहले प्रोसेसेस को रेडी क्यू में डालना। और कैसे डालना? उनके अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग, जो भी उनका अराइवल टाइम है उसके अकॉर्डिंग हम उनको डालेंगे। अब इस क्वेश्चन में 0 पे सिर्फ एक ही प्रोसेस आया, दैट इज P1, हमने उसको डाल दिया। अब P1 को यहां से निकालो और रनिंग क्यू में डालो। ऑब्वियसली उसको हमारा एम क्या है कि उसको एग्जीक्यूट करना, तो उसके लिए मुझे रनिंग क्यू में इसको लाना पड़ेगा। लेकिन कितनी देर के लिए P1 को चलाना है वो आपको टाइम क्वांटम दिया हुआ है, दैट इज 2। तो यानी 0 से 2 ही चलाएंगे P1 को। 0 से 2 अगर P1 को चलाया तो P1 का बर्स्ट टाइम 5 से कितना रह गया? 3। अब सबसे पहले यहां पे देखना है कि क्या P1 कंप्लीट हुआ? नहीं, P1 कंप्लीट नहीं हुआ। अब हम यहां पे किस पॉइंट पे खड़े हैं? 2 पे, बिकॉज ये क्या शो कर रहा है मुझे? टाइम शो कर रहा है। तो मैं किस टाइम पे पहुंच गया? 2 पे। तो 2 पे सबसे पहले देखो कि कौन कौन से प्रोसेस रेडी हो गए। 2 पे देखा हमने P1 भी रेडी हो गया, P2 भी रेडी हो गया, P3 भी रेडी हो गया।
P2 भी रेडी है 1 पे, P3 भी रेडी है 2 पे, तो ये दोनों प्रोसेस रेडी हो गए। तो सबसे पहले इन दोनों प्रोसेसेस को रेडी क्यू में डालो और सीक्वेंस वाइज कि अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग, तो अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग P2 पहले आया तो P2 को हमने पहले डाला, फिर P3 आया P3 को हमने डाला। और मीनवाइल यहां क्या चल रहा है, रनिंग स्टेट में क्या चल रहा है, 0 से 2 हमने P1 को चलाया। अब 2 के बाद CPU बोलेगा कि रनिंग स्टेट से P1 को बाहर निकालो, प्रीएम्प्ट कर दो और दूसरे प्रोसेस को लाओ। अब इसको हम बोलते हैं यहां पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। इस टाइम पे यहां पे क्या हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब है कि रनिंग प्रोसेस को सेव कर दो और एक नए प्रोसेस को लेके आओ। रनिंग प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को सेव करने का मतलब है, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में उस प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो मुझे उस प्रोसेस के, जिस प्रोसेस को हम यहां पे चला रहे थे, उसके कॉन्टेक्स्ट को मुझे सेव करना पड़ेगा, बिकॉज फ्यूचर में जब वो प्रोसेस दोबारा आएगा तो मुझे उसको दोबारा जीरो से नहीं रन करना, मुझे उसको उसके रिज्यूम करना है, ना कि उसको रीस्टार्ट करना है। अगर हमने रिज्यूम किया तभी एडवांटेज है, रीस्टार्ट करेंगे तो जो काम हमने यहां पे किया वो तो वेस्ट ही हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, इस प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को सेव कर रहे हैं और एक नए प्रोसेस को हम यहां पे ला रहे हैं। किस प्रोसेस को, P2 को यहां पे लाएंगे। और यहां पे आपको चेक करना है कि यार P1 0 से 2 तो चला, 3 बचा हुआ है। अगर P1 ऑलरेडी बचा हुआ है तो P1 रेडी क्यू में जब जाएगा तो इन दोनों प्रोसेस के पीछे लगेगा। क्यों लगेगा, एक तो रीजन ये है कि यहां पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जब चल रही थी तो P1 की वैल्यूज को हम फटाफट सेव कर रहे हैं और इस टाइम पे P2 और P3 रेडी क्यू में आ गए। और दूसरा रीजन क्या है, अगर P1 ही हम यहां पे लिख देंगे तो P1 ही उसके बाद कंटिन्यू चल रहा है, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या हुई, फिर तो P1 के बाद दोबारा P1 ही चल रहा है। तो यही तो CPU शेड्यूलिंग राउंड रॉबिन का फंड है ना, कि वो 2 टाइम यूनिट के बाद स्विच करेगा किसी दूसरे प्रोसेस पे। तो उसके लिए हमने P2 और P3 को पहले डाल दिया, अगर P1 बचा हुआ है उसको लास्ट में डाल दो। अब P2 को हमने यहां से निकाला और यहां डाला, और इसको कितने टाइम के लिए चलाएंगे, अगेन टाइम क्वांटम कितना है, 2, तो हम 2 के लिए चलाएंगे। जैसे ही 2 के लिए चलाया तो ये वैल्यू क्या बच गई, 2। अभी बचा हुआ है ये 2, यस। पहले सबसे पहले चेक करो कि 4 पे कौन कौन से प्रोसेस रेडी हो गए, ये तो ऑलरेडी रेडी में थे ही, P4 भी रेडी हो गया। तो P4 रेडी हो गया तो सबसे पहले P4 को रेडी क्यू में डालो, पहले प्रोसेसेस को डाल लें, फिर चेक करना है कि क्या P2 बचा हुआ है। हाँ, P2 तो यार अभी बचा हुआ है 2, तो अब P2 को रेडी क्यू में इसके बाद डालो, बिकॉज यहां पे जब हम P2 के कॉन्टेक्स्ट को सेव कर रहे हैं उसी टाइम पे P4 ऑलरेडी रेडी क्यू में पहले ही आ गया, और हमने P2 के कॉन्टेक्स्ट को सेव करके P2 को सक्सेसफुली रेडी क्यू में भेज दिया, ताकि किसी नए प्रोसेस को जो कि P3 है उसको हम ला सके। तो P3 को हम यहां पे ले आए कितने टाइम क्वांटम के लिए, 2, मतलब क्या वैल्यू हो गई, 6। तो 6 हो गई तो इसको मैंने यहां पे चलाया। लेकिन अगर आप यहां पे देखो तो P3 कंप्लीट हो गया, इसका टाइम कितना था, बर्स्ट टाइम 2, और हमने इसको 2 तक चलाया, ये कंप्लीट हो गया। अब चेक करो 6 पे क्या कोई नया प्रोसेस रेडी है, जो प्रोसेस थे वो सारे के सारे एक बार रेडी क्यू में आई गए, कोई प्रोसेस रेडी नहीं है अब और नया प्रोसेस नहीं है। अगर कोई होता तो हम नए प्रोसेस को रेडी क्यू में डालते, लेकिन ऑलरेडी सारे प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुके हैं। फिर चेक करना है कि क्या P3 बचा हुआ है, अगर P3 बचा हुआ है तो उसको यहां पे डालना है, लेकिन P3 तो कंप्लीट हो गया, P3 की टर्मिनेशन तो हो चुकी, तो P3 को तो एक तरह से यहां से रिमूव कर दो। अब सिंपल, आपको बस सिंपली इसको आगे आगे जो है यहां पे मूव करना है। अब P1 को यहां से निकालो, P1 को एग्जीक्यूट किया, P1 को जब हमने एग्जीक्यूट किया कितने टाइम क्वांटम के लिए, 2 के लिए, मतलब 6 to 8 हो गया, और यहां पे इसका टाइम भी हमने कम किया, सो 3 से टाइम कितना बच गया, 1। अब सबसे पहले क्या चेक करना है, 8 पे क्या कोई नया प्रोसेस आया, नया प्रोसेस आया ही नहीं, क्योंकि जो 4 प्रोसेस थे वो तो ऑलरेडी रेडी क्यू में आ चुके हैं।
दूसरा क्या चेक करना है कि क्या P1 बचा हुआ है? Yes, P1 तो बचा हुआ है, एक टाइम अभी बचा हुआ है, तो P1 को रेडी क्यू में डाल दो। सबसे पहले चेक करना है आपको जिस पॉइंट पे आप खड़े हो कि कोई नया प्रोसेस आया, नया प्रोसेस अगर आया है, अराइव हुआ है, पहले उसको डालो। फिर दूसरा स्टेप क्या चेक करना है कि क्या P1 बचा हुआ है, तो नया प्रोसेस तो कोई आया ही नहीं, तो लेकिन P1 बचा हुआ है तो हमने P1 को यहां डाल दिया। नेक्स्ट P4 को एक एक करके यहां से आपको निकालने हैं। P4 को हमने यहां से निकाला और रेडी क्यू में डाला, कितने टाइम क्वांटम के लिए? 2 के लिए। लेकिन अगर आप देखो P4 का सिर्फ एक टाइम यूनिट चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, तो आप 2 तक क्यों चलाओगे? 8 टू 9 तक चलाया, P4 एग्जीक्यूट हुआ, जब वो एग्जीक्यूट हुआ तो टर्मिनेट हो गया। तो इस केस में 8 टू 10 नहीं चलाना। कई बच्चे यहां पे मिस्टेक कर दोगे कि अगर 8 टू 9 और 9 टू 10 चलाया तो 9 टू 10 क्या हुआ? 9 टू 10 तो आप आइडल रख दोगे, लेकिन सीपीयू को आइडल नहीं रखना, तो इसीलिए एक टाइम तक इसको चलाओ और 9 पे क्या होगा? 9 पे ठीक है, किसी नए प्रोसेस को हम ला सकते हैं, बिकॉज P4 तो निकल गया, P4 बचा ही नहीं हुआ। अगर बचा होता तो हम यहां पे और उसको ऐड कर देते। तो नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है? P2। P2 को यहां से निकाला, यहां पे लाए, कितने टाइम के लिए? 2 के लिए, तो 11 हो गया और यहां पे P2 कंप्लीट हो गया। P2 कंप्लीट हो गया तो ऑब्वियसली कुछ एक टाइम के बाद ना राउंड रॉबिन बिल्कुल इजी हो जाता है। थोड़ा सा यहां पे प्रॉब्लम क्या आती है स्टार्टिंग में रेडी क्यू को मेंटेन करने के लिए, उसके बाद जो है राउंड रॉबिन बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। जब एक टाइम के बाद सारे प्रोसेस जब एक बार रेडी क्यू में आ गए, उसके बाद आपको ये बहुत ही इजी लगेगा। अब P2 चेक करो बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ तो लास्ट में डालने की जरूरत ही नहीं है। फिर क्या है? P1 12 तक चलाया, बिकॉज इसका सिर्फ एक ही टाइम बचा हुआ है, तो 12 तक और इसको चला के हमने इसको भी क्या कर दिया? जीरो कर दिया, मतलब 12 पे सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए। सो दिस इज हाउ, दिस इज वाई द रेडी क्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज अगर ये सीक्वेंस थोड़ा सा भी चेंज हो गया तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, और इस सीक्वेंस को आप बिना रेडी क्यू बनाए माइंड में याद नहीं रख सकते। इसीलिए ये सीक्वेंस बनाना बहुत जरूरी है। इस सीक्वेंस से एक एक करके निकालते जाओ और यहाँ पे डालते जाओ। अब सबसे पहले हम कंप्लीशन टाइम लिखते हैं। पी वन कहाँ पे कंप्लीट हुआ? लास्ट में चेक करो। अब रेडी क्यू का कोई लेना देना नहीं है, अब सिर्फ हम रनिंग क्यू को चेक करेंगे। P1 लास्ट में कहां लिखा हुआ है? यहां 12, तो 12 इसका कंप्लीशन टाइम। P2 देखो कहां पे लिखा हुआ है लास्ट में? ये रहा 11, 11। P3 लास्ट में कहां लिखा हुआ है? ये रहा 6। एंड P4 लास्ट में कहां है? ये रहा उसके राइट हैंड साइड में सबस्क्रिप्ट में देखो क्या लिखा हुआ है? 9। सो कंप्लीशन टाइम विल बी दिस। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो सिंपली 12 10, 4, 5, and what is waiting time? Turnaround time minus burst time. Burst time जो original था, जो starting में दिया था, उससे minus करना। यहाँ पे mistake मत कर देना। 12 minus 5, 7, 10 minus 4, 6, 4 minus 2, 2, 5 minus 1, that is 4. So this is the waiting time. ये जो है यहाँ पे वेटिंग टाइम आ गया। वेटिंग टाइम को हमने यहाँ पे यूज किया, और इसके साथ आप इसको अगर एवरेज वेटिंग टाइम या टर्न अराउंड टाइम निकालना चाहते हो, इसको टोटल करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस कर सकते हो। रिस्पांस टाइम यहाँ पे निकालते हैं पहले। रिस्पांस टाइम कैसे निकालते हैं? सीपीयू पहली बार कब मिला माइनस अराइवल टाइम। तो देखो पी वन को सीपीयू पहली बार कब मिला, कैसे चेक करते हैं हम? पहली बार पी वन कहाँ लिखा हुआ है गैंट चार्ट में? ये लिखा। कब मिला उसको? जीरो पे। और आया कब था? जीरो पे। तो जीरो माइनस जीरो जीरो, सिंपल। पी टू देखो, पी टू को पहली बार, पी टू पहली बार कहां लिखा हुआ है? यहां उसके लेफ्ट में नीचे सबस्क्रिप्ट में क्या है? टू। आया कब था? वन पे। तो टू माइनस वन दैट इज वन। पी थ्री को पहली बार कब मिला? फोर पे। तो फोर माइनस टू दैट इज टू। एंड पी फोर पहली बार कहां लिखा हुआ है? ये रहा 8 पे मिला उसको, और आया कब था वो? 4 पे। तो 8 माइनस 4 दैट इज 4। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रिस्पांस टाइम। अगर आपसे एवरेज पूछ रहे हैं, आप इनका टोटल करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस कर सकते हो।
वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा एक और चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो है कॉन्टेक्स्ट स्विचेस। मतलब कई बार यहाँ पे पूछ लेते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हैपन। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग रनिंग प्रोसेस को सेव करके वापिस भेजो और नए प्रोसेस को लोड करो। रनिंग प्रोसेस को वापिस भेजो, नए प्रोसेस को लोड करो। तो देखो कितनी बार आपने किया, क्या स्टार्टिंग में आपने किया? नहीं, स्टार्टिंग में तो हम नए प्रोसेस को लेके आए, पुराने को तो लोड नहीं किया। लेकिन देखो इस पॉइंट पे हमने किया, इस पॉइंट पे हमने P1 को सेव किया, P2 को कॉल किया, इस पॉइंट पे हमने P2 को सेव किया, P3 को कॉल किया, इस पॉइंट पे हमने P3 को सेव किया, P1 को कॉल किया, इस पॉइंट पे P1 को सेव किया, P4 को कॉल किया। मतलब ये जो है आपके सारे कॉन्टेक्स्ट स्विचेस हैं, कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ना तो लास्ट वाला कैलकुलेट करना, ना फर्स्ट वाला कैलकुलेट करना, बिकॉज लास्ट में भी आपने P1 को सेव किया लेकिन किसी नए प्रोसेस को कॉल नहीं किया। तो ये वाली लाइन जो है कैलकुलेट नहीं करनी, और फर्स्ट वाली कैलकुलेट नहीं करनी, बीच में जितनी भी लाइंस आप उनको जो है वो काउंट कर लो, दैट विल बिकम द नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द राउंड रॉबिन प्रोसेस शेड्यूल। थैंक यू।